आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर और ये हमारा है बेसिक, मतलब पार्टनरशिप के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे सारे इस चैप्टर में पढ़े। और इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल यानी कि बेस, बेसिक बात है कि पार्टनरशिप जब स्टार्ट की जाती है या एंड की जाती है या उसके अंतर्गत किस प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, तो उसमें जो भी कुछ हो सकता है एक्सेस बेस उनकी सबकी जो बेस है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। जैसे तो सबसे पहली बात तो पार्टनरशिप है क्या। 11th क्लास में भी बिजनेस स्टडी में इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपने स्टडी किया। जब कोई अकेला व्यक्ति जो भी बिजनेस करे, अपना पैसा लगाए, जितना भी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो अकेला ही कमाए, तो उसको हम कहते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार, एक का ही व्यापार। और भी आते हैं इसमें अकेले व्यवसाय करने वाली कंपनी भी होती है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे। 11th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। तो जब अकेला ही एक व्यक्ति जितने भी प्रॉफिट है उसको अकेला उठाए, पैसा भी अकेला लगाए, जितनी भी परेशानी है खुद अकेला झेले, तो उसको हम कहते हैं एकाकी व्यापार। लेकिन जब वो उस परेशानी को झेलने के लिए एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार व्यक्ति और बुला लेते हैं कि भाई आप भी मेरे से पैसा लगाओ और जो भी इसका प्रॉफिट होगा हम चारों मिलकर के बांटेंगे, या इसका जो भी लॉस होगा हम चारों मिलकर के ही उठाएंगे, अकेला मैं बियर नहीं कर रहा, हम चारों इस मिलकर के इसके लॉस को बियर करेंगे। तो जब इस प्रकार कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति, चाहे जितने मुझे क्या लिमिटेड मैक्सिमम जितने मेंबर उनके बारे में बात कर लेंगे, तो जब कम से कम दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के पैसा लगाते हैं और एक व्यापार को स्टार्ट करते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से आपसे मिलजुल करके काम धंधा करते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, साझेदारी, पार्टनरशिप। इसके लिए कम से कम दो व्यक्ति को होना जरूरी है, कम से कम दो व्यक्ति, मैक्सिमम 50 व्यक्ति या 200 व्यक्ति, वो आपने जो नया रूल से पढ़ सकते हैं कि जब से कम दो व्यक्ति मिलकर के अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप। सिंपल है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता। तो जो इसके अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट्स है उनके बारे में स्टडी, तो पार्टनरशिप आपको पता ही है कि जब दो व्यक्ति मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कम से कम दो व्यक्ति मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, काम धंधा करते हैं, तो उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर पार्टनरशिप, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है कि जब ये दो व्यक्ति या चार व्यक्ति या 10 व्यक्ति मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट, जैसा आपने देखा भी होगा कि जब कोई मकान मालिक अपने मकान को किराए पर देता है तो वो जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि 11 महीने तक ये मुझे रेंट मिलेगा, 11 महीने के बाद मुझे एक कमरा खाली करना है। अगर मैं ना खाली करने के लिए कहूँगा एक अलग बात है, लेकिन 11 महीने के बाद तुमको एक कमरा खाली करना है और उसको पुलिस वगैरह के मोहर पर लगवा दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रेंट एग्रीमेंट बन जाते हैं। आप अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को भी देखें तो वो भी इसी प्रकार का है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के फ्यूचर में अपनी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ कुछ मुख्य बातों का लिखा होना जरूरी है कि भी कौन व्यक्ति कितना कितना पैसा लगा, अगर उस पैसे पर कोई ब्याज मिलने की बात है तो वो कितने परसेंट मिलेगा। व्यक्ति अगर अपनी जरूरत के लिए पैसा निकालना चाहे तो मैक्सिमम उसकी लिमिट कितनी होगी, जिसे हम ड्रॉइंग करते हैं, पैसा लगाएगा तो कितना लगाएगा, एक व्यक्ति कैपिटल कितनी लगाएगा, अगर उस कैपिटल को विड्रॉ करने की बात आती है, निकालने की बात आती है, तो हम ड्रॉइंग कितनी कर सकते हैं, जो पैसा लगाया जा रहा है उसके ऊपर क्या ब्याज मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने परसेंट मिलेगा, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने परसेंट मिलेगा। तो जो ड्रॉइंग की है उस ड्रॉइंग पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, और अगर करेगी तो कितने परसेंट मिलेगी। पार्टनर जिस हिसाब से काम करते हैं बाकी और लोग भी काम करते हैं, तो जब उन लोगों को सैलरी मिल रही है तो क्या किसी पार्टनर को भी सैलरी मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। जब हम किसी एजेंट को नियुक्त करते हैं तो उसको कमीशन दी जाती है सेल करवाने के लिए, हम जो माल बनाते हैं उसको एक्स्ट्रा बिकवाने के लिए, एक्स्ट्रा अधिक रेट में बिकवाने के लिए, वर्ल्ड वाइड बिकवाने के लिए हम किसी एजेंट की नियुक्ति करते हैं, उसको कमीशन दी जाती है सैलरी के अलावा, तो कमीशन दी जाती है, तो इस तरह से पार्टनर भी तो काम कर रहे हैं, तो क्या किसी पार्टनर को भी कमीशन मिलेगी, मिलेगी तो कितने परसेंट मिलेगी, क्या परमानेंट सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो हमारा हेड ऑफिस है, जो हमारी पार्टनरशिप है, उसके अकाउंट्स कहाँ पर बनेंगे, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर होगा पार्टनरशिप का, उसके ब्रांच ऑफिस कहाँ पर होंगे, हम उधार बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कौन व्यक्ति कितने दिन काम करेगा, कितनी देर तक काम करेगा, अगर
बातें हो सकती हैं पार्टनर्स के बीच, तो लड़ाई झगड़ा ना हो उससे बचने के लिए पहले से ही मुख्य मुख्य बातों को एक कॉन्ट्रैक्ट पर लिख दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिख दिया जाता है। उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट या फिर पार्टनरशिप की डील। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनी होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं बनी तो, अगर बनी है तो रजिस्ट्रार के पास जाकर इसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है और आराम से अपने काम करते रहो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लड़ाई झगड़ा किस बात पर हो सकता है, ये तो जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताया होता है, इन पर लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। एक मुख्य पॉइंट आता है कि भाई चार पार्टनर है, किसी ने पैसा ज़्यादा लगा रखा है, किसी ने थोड़ा सा थोड़ा लगा रखा है, ऐसा हो सकता है लगा सकता है। तो जब ये चार पार्टनर मिलकर के पैसा लगाते हैं और जो प्रॉफिट आया मान लीजिए 100 रुपये है, तो एक आएगा भाई मैंने तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है, इसका 60% मुझे मिलना चाहिए, बाकी जो है 40% वापस बांट लो, 100 रुपये कमाए। चार पार्टनर हैं तो ए अकेला कह रहा है कि भैया इसका 60% मैं ले लूँगा, बाकी का 40% तुम्हें जैसे बांटना बांट लो, तो ये तो गलत बात है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर में पहले से लिखा हुआ है फिर कोई टेंशन नहीं, तो बाई चांस अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है फिर तो जैसे बना हुआ उस चीज को फॉलो किया ही जाए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं बना हुआ तो फिर तो लड़ाई झगड़ा बनता है, लड़ाई झगड़ा होने की पूरी पूरी चांस है, आग नहीं लड़ रहे कल नहीं लड़ रहे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बना होना जरूरी है। तो नॉर्मली अगर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए तो अच्छा रहता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए, बहुत ही बढ़िया। कई लोग जो पार्टनरशिप में काम करते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बनाते, और ये सबसे बड़ी इसकी विडंबना भी यही है कि पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई कंपल्सरी नहीं है। मतलब जिस तरह से कंपनी जब स्टार्ट होती है तो जिस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपल्सरी है, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप की डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है। तो इसके कई लोग बनाना पसंद नहीं करते, यार दोस्तों अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बाद में उसी को आगे कैरी करते चले गए, जब तक लड़ाई नहीं हुई तब तक पार्टनरशिप भी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन पार्टनरशिप डीड बननी चाहिए। अब प्रॉब्लम आती है कि पार्टनरशिप डीड बनी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं बनी तब क्या, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जब ये दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी बिजनेस को कैरी करते हैं, चलाते हैं, तो उन सभी लोगों के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, उनको हम एक पेपर पर नोट कर देते हैं, इसी पेपर को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप ये रजिस्टर करवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो उस केस में प्रॉब्लम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, चुप है, चुप का मतलब आपको पार्टनरशिप डीड बोलती थोड़ी ना, अगर बनी हुई है तो बोलेगी थोड़ी ना, लेकिन बोलती है। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उसको आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं, और पहली बार तो कोई लड़ाई झगड़ा होने का चांस ही नहीं। जब ए बी सी डी चार पार्टनर को बताए कि हमें मेरा बराबर बराबर बांटना है, तो ए इस बात पर लड़ाई करेगा क्यों कि मुझे 60% चाहिए, जबकि उसने पहले साइन करके उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बना रखा है कि भाई सबको बराबर बराबर। तो जब ऑलरेडी इस बारे में पहले से डिस्क्राइब है तो उसके बारे में कोई लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस नहीं होते। प्रॉब्लम कब आती है, जब ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनी। और वही हमारा टॉपिक है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में क्या किया जाए। तो एक इसमें पार्टनर्स के लिए, जितने भी पार्टनर्स हैं जो काम करते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉरी एक एक्ट बना था, पार्टनरशिप एक्ट, जो कि बना था 1932। आपने 11th क्लास में इसके बारे में स्टडी किया होगा कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, ये कौन सा एक्ट था। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना था। 1932 क्यों बना था, क्योंकि 1932 के अंदर इसको एप्लीकेबल करवाया गया। तो 1932 में ये अप्लाई किया गया था, ये लागू हुआ था पार्टनर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने के लिए। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि भैया बना लो तो बहुत अच्छी बात है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप भी बना लो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं बनाए तो उस केस में पार्टनर्स के बीच में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मन मुटाव होता है, तो उसको सुलझाने के लिए ये वाला है आगे आता है। और वो आगे आकर क्या बात बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में 5 बातों का पालन किया जाए। क्या 5 बातें, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर अगर लड़ाई कर रहे हैं कि भाई हमारे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमारे जो पैसा लगा रहा है उसको हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो ध्यान रखना कोई इंटरेस्ट
उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है, भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है तब तो कोई लड़ाई नहीं है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो उन्होंने लिख रखा है तो। प्रॉब्लम कब आ रही है, जब पार्टनरशिप डीड में उन्होंने ये बात नहीं लिखी या पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी तो उस केस में पहला वाला प्रोविजन क्या है कि किसी भी पार्टनर को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट उनके कैपिटल पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना कैपिटल काम करो, कैपिटल पर ब्याज नहीं मिलेगा। नो सैलरी, नो कमीशन, कोई पार्टनर चाहे जितने मर्जी देर काम करे, इतनी मर्जी देर मतलब 24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे में सोएगा भी खाएगा भी, तो अगर वो कहते हैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, एक मैनेजर जो कि केवल 8 घंटे काम करता है आप उसको 50,000 सैलरी दे रहे हो, उनको क्यों नहीं देते? कई पार्टनर बोल सकते हैं इस बारे में, तो बस चला नहीं है तो बाकी तो कोई आता ही नहीं, बेशक आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप एक पर नहीं बनी हुई, अगर बनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर तो आप मुझसे भी मत समझिए, पार्टनरशिप डीड अगर बनी हुई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्वेश्चन क्या लेकर चल रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। कोई चाहे जितना मर्जी अच्छा माल बिकवा दे, फर्म को चाहे जितना मर्जी लाभ पहुंचा दे, उसको कोई कमीशन भी नहीं मिलेगी। किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर, किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब पार्टनर द्वारा लगाई गई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा तो जब कोई पार्टनर ड्रॉइंग करेगा तो उस पर भी वो ब्याज नहीं देगा, यानी कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा फर्म द्वारा और ना ही फर्म द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है, फर्म की तरफ से खर्चा है पार्टनर को मिलता है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है फर्म पार्टनर से लेती है, क्योंकि तूने पैसे निकाल दिए तो इंटरेस्ट, तो ना तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेगी और ना ही सैलरी देगी, ना तो कमीशन। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शुड बी अलाउड। लोन के रूप में, तो इस लोन के ऊपर
अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि डी को कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलने चाहिए, इन द्वारा देखते हैं इन तीनों ने जो कैपिटल रखा है इस कैपिटल पर तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। मैं पहले लिखा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो 80,730 रुपए लगा रखे हैं इन तीनों को कोई ब्याज की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा उस टाइम की बात बता रहा हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इसको 50% का ब्याज मिलेगा, इसे 80% का ब्याज मिलेगा, इसे 10% का ब्याज मिलेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तुमने जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसा मानना पड़ेगा। मैं बात कब की कर रहा हूं, अगर इन तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो इन तीनों को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में बी ने जो लोन दे रखा उसका क्या किया गया, बी ने 1,00,000 रुपये का लोन दिया था फर्म को, तो ये जो लोन दे रखा है किसी पार्टनर ने फर्म को उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि इंटरेस्ट शुड बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6%, यानी कि जो इस पार्टनर ने 1,00,000 रुपये का लोन दिया था इस पर इसे 6,000 रुपये का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 6,000 रुपये कहाँ से आया, 6% पर। अगर 80,000 रुपये का लोन दे रखा था 4,800 रुपये का, 2,00,000 रुपये का लोन दे रखा होता तो 12,000 रुपये का लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा फर्म को तो उस लोन पर ब्याज जरूर दिया जाएगा, लेकिन वो भी कितना परसेंट ब्याज होगा, ओनली 6%, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, 6% का ब्याज। अगर पार्टनर ने पहले से बोल रखा है कि 15% की तरफ से ब्याज मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन है, फिर तो 15% ही मिलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही बात लिखी है। हम बात कब की कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो ये चारों बातें जो मैंने बताई आपको क्या बताई है, अगर पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बोल रही, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी तो उस केस में क्या करना है, इन चारों बातों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या चीज फॉलो की जाएगी, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, ना किसी को सैलरी, ना किसी को कमीशन, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो उसको ब्याज मिल जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। और लास्ट पॉइंट प्रॉफिट और लॉस, इन दोनों से जो भी हो शुड बी डिवाइडेड इक्वली। जितने भी पार्टनर हैं अगर उन्होंने बोल रखा है कि हम 4:1:3 की रेशो में बांटेंगे, यानी कि अगर 80 रुपये कमाएगा तो ए को मिलेगा 40 रुपये, बी को मिलेगा 10 रुपये और सी को मिलेगा 30 रुपये, ठीक है। अगर ऐसा बोल रखा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम कब आ रही है, जब पार्टनर्स हैं और उन्होंने आपस में कोई रेशो डिसाइड नहीं करके कि किस रेशो में बांटेंगे, और जब प्रॉफिट ज़्यादा नजर आना चालू हो गया तो ए चिल्लाने लग गया भाई मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, बी चिल्लाएगा तो ज़्यादा काम तो करता है लेकिन पैसा तो सबसे ज़्यादा मेरे लगा हुआ है मुझे सबसे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, सी कहेगा सारी पार्टीज तो मेरी है अगर मैं आज हट जाऊँ तो तुम माल किसको बेचोगे, सारा काम तो मैं करता हूँ, डी बोलेगा फैक्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा तो मैं रहता हूँ, मतलब 10 तरह की बात है। तो हर कोई अपने अपने एंगल से बोल रहे हैं कि पैसा मुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, प्रॉफिट का हिस्सा मुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड तो उन्होंने बनाई नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाई तो है या फिर समझिए पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, तो उस केस में क्या करना चाहिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि जितने भी पार्टनर हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी या उसमें ये पॉइंट नहीं लिखा गया तो क्या किया जाएगा, हर एक पार्टनर को चाहे उसमें कम पैसा लगाया चाहे ज़्यादा लगाया, कोई कम काम करना ज़्यादा काम करना, किसी की पार्टी कम है किसी की पार्टी ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, बिना सोचे समझे सबको बराबर बराबर प्रॉफिट का हिस्सा दे दे, या लॉस पर है तो उसमें भी बराबर बराबर सबसे ले दे। ये 5 पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स कि अगर पार्टनरशिप नहीं बनी हुई या पार्टनरशिप साइलेंट है तो उस केस में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो क्या प्रोविजन है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन इंचार्ज होगा, ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन अगर पार्टनर लोन है तो कितने परसेंट से अलाउड किया जाएगा, 6% से, और प्रॉफिट और लॉस किस हिसाब से बांटा जाएगा इक्वली। तो ये 5 पॉइंट थे, ये तो मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं।
ये अलग से है, लेकिन जो आगे अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन उसमें ये यूज होगा, इससे पता चलेगा। तो क्या है इसमें एक्सपेंस यानी कि खर्चा। आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, पीएनएल अकाउंट बनाया था, ध्यान रखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे, वेजेस, कोल गैस एंड वाटर, कार्टेज, फ्रेट, इनवर्ट, ये सारे हमारे खर्चे थे। पीएनएल अकाउंट में क्या आता था, डेबिट साइड में सैलरी, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे वो वाले खर्चे थे, उन्हें पीएनएल अकाउंट में दिखाए थे, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं ट्रेडिंग और पीएनएल को दोनों को मिक्स कर रहा हूं, मतलब खर्चा, मैं खर्चों की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पर पार्टनर्स भी आ चुके हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो चुका है, मैं समझता हूं एक स्टेप आगे बढ़ चुका। तो यहां पर क्या है, पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं या नॉर्मली समझ लिया। तो एक्सपेंस के मेन दो कैटेगरी होती है, एक होता है ऐसा एक्सपेंस जिसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक एक्सपेंस होता है जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक टीचर हूं और मान लीजिए मेरी सैलरी 25,000 है, मैं अगर अपना मकान खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता हूं, मकान खरीदने के लिए मैंने बैंक से लोन ले लिया, या अपनी कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो बाइक की किश्त या बाइक की किश्त पर या बाइक के लोन पर या कार के लोन पर जो मैंने ब्याज देना है वो तो हर आदमी देने देना पड़ेगा, चाहे मेरी सैलरी मुझे मिले चाहे ना मिले, या क्वारंटाइन के दौरान मेरे पास काम हो चला हो, मुझे तो उनकी किश्त देनी देनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि बैंक का जितना भी इंटरेस्ट है वो हर आदमी देना पड़ेगा। अगर मैं कहीं पर किराए पर रहा हूँ तो मुझे मकान मालिक को किराया भी देना पड़ेगा। अगर मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के में मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो जितने भी उनकी सैलरी है वो भी मुझे हर महीने पे करनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार के खर्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे मैं कमाऊं चाहे ना, चाहे मेरी फैक्ट्री में लाभ हो चाहे ना, मुझे हर महीने खर्चों का भुगतान करना ही है। मैं फैक्ट्री के पॉइंट से बात करता हूँ, मेरी फैक्ट्री में काम धंधा हो चाहे ना हो, फैक्ट्री की जो इमारत का किराया है, अगर मेरे पास गोदाम है, मेरे पास फैक्ट्री है, उनका जो मैं अगर मेरी खुद की नहीं है, मुझे किसी से किराए पर मिली है, तो उसका मुझे किराया भुगतान करना पड़ेगा। जो लेबर मेरे पास काम करने के लिए आती है मुझे उसकी सैलरी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे मेरे पास काम हो चाहे ना हो, प्रॉफिट चाहे मैं कमाऊँ चाहे मैं ना हो। किसी लेबर को अगर मुझे सैलरी देनी है तो हालांकि मुझे देनी पड़ेगी, चाहे मेरे पास काम हो चाहे ना, बिजली का बिल का भुगतान करना ही पड़ेगा काम हो चाहे ना। ऐसे खर्चे जो हर हालत में भुगतान करना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना, चाहे प्रॉफिट कम ही हो, और इवन चाहे मेरी संस्था या मेरी फर्म लॉस में चले, मुझे लेबर की सैलरी देनी है क्या, मैं ऑलरेडी 40,000 लॉस में हूँ, तो क्या मैं सैलरी देने के लिए मना कर दूंगा, नहीं कर सकता। उस केस में मेरा लॉस 40,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 1,40,000 ऑलरेडी में लॉस में था, 1,00,000 की लेबर की सैलरी और देनी पड़ेगी, तो मेरा लॉस हो गया 1,40,000। रेंट पे करना है 20,000 रुपये का लॉस और बढ़ जाएगा 1,60,000, ठीक है। तो ये मेरे कौन से खर्चे हैं, 1,60,000 रुपये जो आ गया, उस 1,60,000 में जो मैंने 1,00,000 रुपये सैलरी का पे किया, 20,000 रुपये रेंट का पे किया, इन खर्चों को बोलते हैं ऐसे खर्चे जो कि चार्ज डाल रहे हैं, चार्ज यानी फोर्स होगी, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं किस पर, प्रॉफिट अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है हमें इस बात से मतलब नहीं है, इन खर्चों का भुगतान करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको कि मेरा 40,000 का लॉस था लेकिन 1,00,000 रुपये को मुझे सैलरी का भुगतान करना है, तो सैलरी का भुगतान क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जब मैं ऑलरेडी 40,000 रुपये लॉस में हूँ तो क्या अपनी फर्म से मैं अपनी सैलरी की डिमांड करूँगा, फर्म मेरी है, कंपनी मेरी ही है, तो क्या मैं अपने लिए बोलूंगा कि मुझे 20,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, भाई सबसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ, दिन रात जाग जाग करके अपनी फैक्ट्री को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मिलनी तो चाहिए लेकिन कब मिलेगी, अगर प्रॉफिट होगा तब मिलेगी, अगर प्रॉफिट है तो बेटो कौन मना करेगा, आपने ज़्यादा काम मिल पाया कमीशन भी ले लो, सैलरी भी ले लो, आपने जो कैपिटल लगा रखा है उस पर ब्याज भी ले लो, लेकिन वो कब मिलेगा, जब फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट है तो ले लो ना, कौन मना करेगा, लेकिन जब प्रॉफिट ही नहीं है तभी आप मानोगे, तो ये बात गलत है। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो केवल कब किए जाएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तब। सैलरी ऑफ पार्टनर,
जो एबीसीडी चार पार्टनर थे, चारों पार्टनर को सैलरी मिलने की बात है, या किसी दो पार्टनर को या किसी तीन पार्टनर को या किसी एक पार्टनर को सैलरी मिलने की बात है, तो कब मिलेगी? अगर प्रॉफिट होगा तो। अगर एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट है, तब इस प्रकार के खर्चे किए जाते हैं। तो सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के अंदर, ये तीनों खर्चे और रिजर्व में पैसा रख दो। फर्म चल नहीं पा रही, लॉस हो रहा है, काम धंधे की सिचुएशन बिगड़ी पड़ी है, और मैं क्या एफडी में पैसे इकट्ठे करवाऊंगा या अलग से उसको तिजोरी बंद करके रखूंगा पैसे? अरे भैया पैसा होगा तभी तो तिजोरी में रखे जाएंगे, तो रिजर्व में भी कब ट्रांसफर करोगे? रिजर्व मतलब एक तरह से बचत में रखना पैसा, तो बचत में भी कब ट्रांसफर किया जाएगा? जब प्रॉफिट होगा तो। सैलरी कब दी जाएगी किसी पार्टनर को? जब पैसा होगा तो। यानी कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है या संस्था प्रॉफिट कमाती है, तब जो खर्चे किए जाने के चांसेस होते हैं, ऐसे खर्चों को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएट वे में प्रॉफिट को बांटना, उससे रिलेटेड जो खर्चे हों उन खर्चों को बोला जाता है एक्सपेंस रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखने के चार खर्चे बताए गए, कब किए जाएंगे? जब प्रॉफिट हो, तो इसलिए उसे क्या बोला जाएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये जो मैंने बताया चार्जिंग इज प्रॉफिट, इसके मैंने एग्जाम्पल लिखे, लेबर काम कर रही है, उनकी सैलरी मिलेगी मिलेगी चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वेजेस दे रहे हैं चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट ही खर्च हर हालत में दिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से लोन ले रखा है उसका जितना भी ब्याज आना है वो हर हालत में जाएगा ही जाएगा, चाहे पैसा हो हमारे पास ना हो, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। मकान मालिक का लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक का किराया देना है, हर हालत दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे आने वाले ये दोनों खर्चे मैनेजर कमीशन हर हालत में दी जाएगी चाहे पैसा हो चाहे ना हो। लेकिन जो ये दो खर्चे हैं, इन दो के बारे में समझते हैं। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी है और उसको रेंट देना है, तो ध्यान रखना ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे अभी हमको मैंने ये वाला जो 1,00,000 का लोन का बताया, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। एबीसी की पार्टनर थे, पार्टनर ने जरूरत के टाइम पर 1,00,000 का लोन दे दिया, तो जो इसका ब्याज जाएगा वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हर बार में दिया जाएगा चाहे फर्म के पास पैसे हो चाहे ना। एक्सेप्शन है, हमें इस चीज को मार्केट में चलता है, अपवाद है। तो दो चीजें अपवाद है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसका जितना भी दिया जाएगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हर हालत में पे करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे दी किराए पर, अगर किसी दूसरे आउटसाइडर से अपने किराए पर चली गई है, तो जिस तरह से उसका भी किराया जाता है, उसी तरह से अगर किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, मतलब फर्म यूज कर रही है, तो उस पर जितना भी किराया जाएगा या उसका जितनी भी मार्केट वैल्यू है किराएगी, वो भी एक प्रकार से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देख सकते हो बैंक लोन का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, किसी पार्टनर ने लोन लिया उस पर जितना इंटरेस्ट है वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लैंडलॉर्ड जो बाहर के मकान मालिक है उनसे अगर हम जगह किराए पर ले रखे उनका जितना किराया जाएगा वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी है उस पर जितना किराया जाएगा वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखना इन खर्चों को, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है हर हफ्ते एमिट की जाती है चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा? जब फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो इससे रिलेटेड फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पी एंड एल।